नमस्कार, सामाजिक विज्ञान फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सबसे पहले वैश्वीकरण का परिचय समझेंगे। इसके बाद हम वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम विदेशी व्यापार तथा निवेश का उदारीकरण के बारे में समझेंगे। अंत में विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानेंगे। बच्चों, दुनिया में लाखों बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और इसके वजह से आज हर देश एक दूसरे पर निर्भर है। अब जानते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले तीन कारक हैं। पहला कारक, परिवहन प्रौद्योगिकी। हवाई जहाज पे उड़ान सस्ती हो गई है। समुद्री जहाज से भी सामान ले आया और ले जाया जा रहा है और सड़कें भी लगभग सब जगह की बन गई है, जिससे कम लागत पर वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को संभव बनाया है। दूसरा कारक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जैसे दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। इसके चलते विश्व भर में संपर्क करना आसान हो गया है। तीसरा कारक है उदारीकरण, यानी सरकार ने अपनी नीतियां बदलकर ऐसा कर दिया है जिससे कंपनियों को व्यापार करने में आसानी हो। बच्चों, अब विदेशी व्यापार तथा निवेश के उदारीकरण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उदारीकरण क्या है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। इन अवरोधों तथा प्रतिबंधों को व्यापार अवरोध कहा जाता है। सरकार व्यापार अवरोधों का प्रयोग विदेशी व्यापार में कटौती या वृद्धि नियमित करने और देश में इस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। बच्चों, अगर आपको याद हो तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में आए थे और भारत को लूट कर चले गए थे। फिर ऐसा दोबारा ना हो इसलिए विदेशी व्यापार और निवेश को बंद रखा था। भारत में
सन 1991 से नीतियों में कुछ परिवर्तन किए गए। सरकार ने ये निर्णय लिया कि विश्व के उत्पादों से भारत के उत्पादों को प्रतिस्पर्धा करने का वक्त आ गया है। सरकार ने यह महसूस किया कि प्रतिस्पर्धा से भारत के उत्पादकों में अपने उत्पादन में सुधार करने का मौका मिलेगा, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसलिए विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को हटा लिया गया। इसका मतलब ये था कि वस्तुओं का आयात निर्यात आसानी से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपना कार्यालय और कारखाने आसानी से खोल सकती थी। इस निर्णय को प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। इनमें से एक संगठन है विश्व व्यापार संगठन WTO। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों के पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और ये देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। वर्तमान में विश्व के 164 देश विश्व व्यापार के सदस्य हैं। बच्चों, इसके साथ ही दूसरा भाग समाप्त होता है। इस भाग में हमने वैश्वीकरण का परिचय जाना। इसके बाद हम वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक के बारे में जाने। इसके बाद हम विदेशी व्यापार तथा निवेश का उदारीकरण के बारे में भी जाने। अंत में विश्व व्यापार संगठन के बारे में भी जाने। तो बच्चों, फिर हम मिलेंगे भाग 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।